हेलो दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आज पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आपके सामने नहीं आया हूँ। मैं एक आम इंसान की हैसियत से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ। जब से कोरोना महामारी फैली है, जब पहली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से चालू हुआ ये काम, उस दिन से आज तक हम लोगों ने कभी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं की। और वो सब मेरे अंबिकापुर के वासी लोग मुझे जानते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभाता रहा हूँ। फाइनली मुझे आज 15 अगस्त में जो प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए था कोरोना वॉरियर्स के रूप में, वो प्रशस्ति पत्र मुझे आज मिला कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीज़ होने का। आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि दिलबाग सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ये सबके साथ होना है। आज मुझे हुआ है, कल आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये महामारी अब घर घर में फैल रही है। बात बीमारी फैलने की नहीं है, बात हम अपने पुलिस वालों की कर रहे हैं कि हम कितनी विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। अंबिकापुर शहर की बात करूं, आज जैसे ही मेरे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरा बेटा और मेरी बेटी इतना रोने लग गए, मेरी वाइफ इतना रो रही है, मुझे लगा कि मैं किन के लिए कर रहा था। आपको मैं छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्री ओम चंदेल जी हैं, हमारे एसपी साहब के ट्रांसफ़र होने के बाद, वही एक ऐसे अधिकारी हैं जो हम लोग को जानते हैं अच्छे से, हमारे काम को उन्होंने देखा है, लेकिन हमने उनके हिसाब से कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया। जबकि जब पहली बार 17 अप्रैल को पहला मोमिनपुरा कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ था, तो हम सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक अमले के साथ में पूरा स्टॉपर बैरिकेड लगा के सील कर रहे थे एरिया को, और ये लगातार हम 6 महीने तक तो करते रहे। एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया, एसपी साहब ने मुझे आईजी साहब से इनाम भी दिलवाया कोरोना के वॉरियर्स के रूप में। लेकिन अभी 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं बोलता, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हर पुलिस वाले के साथ कुछ ना कुछ वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। मैं मिस्टर ओम चंदेल सर का नाम नहीं लेता, लेकिन परसों की बात बता रहा हूँ, मैं घर में 4 दिन से बीमार हूँ। मैं RI साहब के अंडर में हूँ, और मैं RI साहब की जानकारी में है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं होम आइसोलेशन में ही अपने रूम में पड़ा हुआ हूँ। मुझे बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है, और मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। परसों मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि ड्रेस पहन के रात को 11:30 बजे ड्रेस पहन के आओ, सीधा कोतवाली पहुँचो। अब मैंने उनको बोला कि सर मेरी तबीयत ख़राब है सर, मुझे फीवर हुआ पड़ा है, होम आइसोलेशन में। बोलते अरे, फ़ोन काट दिया उन्होंने सीधा। उसके अगले दिन मुझे बोलते हैं कि SP साहब तुमसे नाराज़ हैं और तुम्हारी रिपोर्ट डालने के लिए बोल रहे थे। अब आप बताइए सर, यही वो शख्स हैं जो हमारे काम को जानते हैं, देखा है इन्होंने, लेकिन इनके लिए हमने कोई अच्छा काम नहीं किया आज तक 6 महीनों में। क्योंकि या तो हम इनके मतलब का कोई काम नहीं कर पाए आज तक, या हम इनकी जी हजूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारी आदत ऐसी है नहीं। लेकिन मेरे अंबिकापुर वासी मुझे जानते हैं कि मैं अपना ड्यूटी कितनी ईमानदारी से निभाता रहा हूँ, और ये मेरी आत्मा जानती है। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी प्रशस्ति पत्र मुझे मिलना चाहिए था। मुझे मेरे हिसाब से हर उस शख्स को प्रशस्ति पत्र कोरोना वॉरियर्स का मिलना चाहिए जो पुलिस विभाग का चौक पे खड़ा होकर पिछले 6 महीनों से ड्यूटी कर रहा है, अपनी जान जोखिम में लगा के अपने बीवी बच्चों से दूर रह के। मैं भी पिछले 6 महीनों से लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। आज मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया, मेरे घर में इतने हालात ख़राब हैं, अभी मेरी वाइफ इतनी दुखी हो गई है, मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बिटिया रो रही है कि पता नहीं क्या हो गया। मुझे पता है अगर मुझे कुछ होता है तो ऐसे अधिकारी हमारी दूर से ही फूल पे माला चढ़ा, फोटो पे माला चढ़ा के नमस्कार करके चल देंगे, इनका कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन हम तो अपने परिवार के लिए इकलौते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर इस तरीके से हमें डिमोरलाइज करेंगे ऐसे अधिकारी, तो हम क्यों ड्यूटी करेंगे अपनी ईमानदारी से?
मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने मन की बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ आज। मेरे साथ जो भी हो, जैसा हो विभाग में, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा वो कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी के नाते ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ और अपने मन की बात कर रहा हूँ आपसे। हम में भी दुख होता है जब भी कोई हमारे वरिष्ठ अधिकारी बदल जाते हैं, तो जो अधीनस्थ उनके रहते हैं वो हम पे ऐसा करते हैं जैसे हमने कभी उनका वो ही नहीं किया। बहुत गलत बात है। मैं अपने DGP साहब से निवेदन करूँगा, सर अभी मान सिंह राठिया जी एम्स में डेथ कर गए, क्या होगा सर? अगर कल को मुझे भी कुछ होता है तो मुझे भी कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे छोटे बच्चे हैं, दो वाइफ है, और फूल चढ़ा के सब शांत हो जाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने विभाग की उस कड़वी सच्चाई को बता रहा हूँ जिसमें हमें किस तरीके से डिमोरलाइज किया जाता है। केवल मेरी ही बात नहीं है कि मैं एक निरीक्षक स्तर का अधिकारी होकर मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। मेरा पता लेने की बजाय मुझे उल्टा मेरी अब्सेंटी डालने की बात कही जा रही है कि उसकी अब्सेंटी डालो आप। अब बताइए सर, आज SP साहब ने मुझे बोला कि आप टेस्ट करा लो दिलबाग। टेस्ट कराया तो मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया। मैं होम आइसोलेशन में हूँ सर। अपने मन की बात करना चाहता था, अपने मन की बात कर ली, बहुत दुखी हूँ मैं। लेकिन मैं इस कोरोना की लड़ाई से जीत के बाहर आऊँगा। आप लोग के माँ महामाया की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं कोरोना को हरा के बाहर आऊँगा, फिर अपनी ड्यूटी में कायम रहूँगा। लेकिन अपने इस दिल की बोझ को मैं अपने साथ ले के ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं हल्का हो के इस लड़ाई से आपसे, तभी मैं इस लड़ाई को जीत पाऊँगा। मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरा विभाग मेरे साथ है, क्योंकि हम जैसे ईमानदार और सच्चे लोगों का हमेशा विभाग साथ दिया है।